बाढ़ कोर्ट में पेशी तक अनंत सिंह के साथ रहेगी दिल्ली पुलिस। विधायक के गुहार पर साकेत कोर्ट का आदेश। सरेंडर के बाद कोर्ट में कैसे कैसे चली सुनवाई जानकर हो जाएंगे हैरान। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के दिल्ली कोर्ट में सरेंडर के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। साकेत कोर्ट में 3 दफे इस मामले पर सुनवाई हुई और तब जाकर कोर्ट ने उन्हें बिहार भेजने का निर्देश जारी किया। लेकिन उससे पहले अनंत सिंह बिहार पुलिस पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा चुके थे। साकेत कोर्ट ने उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया। साकेत कोर्ट ने क्या सब कहा वो हम आपको बताते हैं। दिन के 12:17 अनंत सिंह ने साकेत कोर्ट में सरेंडर किया। सफेद पैंट शर्ट और काला चश्मा पहने अनंत सिंह साकेत कोर्ट पहुंच गए। वे अपने वकीलों के साथ साकेत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंचे। उसके बाद 3 सीनियर वकील थे, अरुण गर्ग, सुशील कुमार शर्मा, ज्ञानेंद्र मिश्रा। कई जूनियर वकील भी उनके साथ कोर्ट रूम में पहुंचे और सरेंडर की याचिका दायर कर दी। विधायक अनंत सिंह ने कहा कि वे फिलहाल ग्रेटर कैलाश 2 के गुरुद्वारा रोड में मकान संख्या S24 की दूसरी मंजिल पर रह रहे हैं। बिहार पुलिस ने उन्हें आर्म्स एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाया है। अगर वे बिहार के किसी कोर्ट में सरेंडर करने गए तो उनकी हत्या हो जाएगी। चूंकि वे दिल्ली में रह रहे हैं इसलिए दिल्ली की कोर्ट में सरेंडर करने आए हैं। कोर्ट उन्हें सुरक्षा दे। अनंत सिंह की अर्जी के बाद साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के AAP रजत बंसल को मामले की जानकारी दी। सुनवाई के लिए 2 बजे का वक्त मुकर्रर था। अनंत सिंह के वकीलों और दिल्ली पुलिस को 2 बजे कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया। 2 बजे पहली सुनवाई में दिल्ली पुलिस अनंत सिंह के खिलाफ जारी वारंट की कोई जानकारी नहीं दे पाई। कोर्ट ने नाराजगी जताई। पुलिस ने बताया कि अब तक वो सिर्फ ये जानकारी जुटा पाई है कि अनंत सिंह ने दिल्ली का जो पता दिया है वो बिल्कुल सही है। जज ने नाराजगी जताई, पूछा कि क्या अभियुक्त के रसूखदार होने के कारण दिल्ली पुलिस जानकारी नहीं जुटा पा रही है। कोर्ट की नाराजगी के बाद दिल्ली पुलिस ने अनंत सिंह से आधे घंटे तक पूछताछ का वक्त मांगा। दिल्ली के CR थाना पुलिस को कोर्ट रूम में ही अनंत सिंह से आधे घंटे तक पूछताछ की इजाजत मिली थी। तब तक बिहार सरकार हरकत में आ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट में बिहार का पक्ष रखने वाले स्टैंडिंग काउंसिल गोपाल सिंह को साकेत कोर्ट भेजा गया। अनंत सिंह से दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद जब फिर से कार्रवाई शुरू हुई तो गोपाल सिंह भी कोर्ट पहुंच चुके थे। बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट में अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे और कोर्ट द्वारा जारी वारंट की जानकारी दी। इसके बाद कोर्ट ने माना कि अनंत सिंह अभियुक्त है और उनके सरेंडर को स्वीकार किया। अब जान लीजिए कि साकेत कोर्ट का आखिरी फैसला क्या रहा। साकेत कोर्ट में बिहार सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल, दिल्ली पुलिस और अनंत सिंह के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हारून प्रताप ने अनंत सिंह के सरेंडर को स्वीकारा और उन्हें बिहार भेजने का निर्देश दिया। हालांकि जज ने ये भी कहा कि उन्हें अनंत सिंह को बिहार भेजने के लिए ट्रांजिट रिमांड जारी करने देने का अधिकार नहीं है। उन्हें बिहार के कोर्ट में भेजने के लिए पुलिस को अनंत सिंह को तत्काल मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना चाहिए। वहां से ही आदेश लेकर अनंत सिंह को बिहार भेजा जाएगा। साकेत कोर्ट ने अनंत सिंह को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि बाढ़ कोर्ट में पेशी तक दिल्ली पुलिस अनंत सिंह को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएगी ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो। साकेत कोर्ट से आदेश के बाद ये माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस बाढ़ कोर्ट में पेशी तक अनंत सिंह की सुरक्षा में तैनात रहेगी। तो इस तरीके से पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ ये पूरा का पूरा मामला चला और उसके बाद बाढ़ कोर्ट में पेशी तक उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की पूरी हिदायत के बाद इस मामले का पटाक्षेप तो अभी नहीं हो पाया है। लेकिन इस मामले पर अब तमाम बिहार के वरीय अधिकारी पहुंच चुके हैं दिल्ली और वो अनंत सिंह को लेकर बाढ़ कोर्ट जाएंगे और वहां पर सुनवाई होगी, लेकिन पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।